देख सकते हैं ये नज़ारा गुड्डा हाई स्कूल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय गुड्डा जिला। और यहाँ लगभग ये हरियाली देख रहे हैं इस तरह से इसी तरह से बार बार देखा जा रहा है। देख सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा है, काफी धूप है, तर बर पसीना से परेशान, अब वो क्या करे, देख रहा है चापाकल है, अब पानी पीने के लिए देख रहे हैं किस तरह से आज पानी बर्बाद भी हो रहा है। चलिए पानी पीते हुए अब देख रहे हैं काफ़ी परेशान, अब वृक्ष के छांव में देख सकते हैं कैसे बिछाकर ये व्यक्ति, देख सकते हैं एक वृक्ष के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठ गया आराम कर रहा है। कितना मस्ती में, कितना हवा बह रहा है ठंडा ठंडा। यही कहा गया है आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति को सीख मिलता है कि वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी है। आज वृक्ष के धड़ल्ले वृक्ष काटे जा रहे हैं। स्काउट गाइड के माध्यम से देख रहे हैं कैसे बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा। सेब का गाछ है, देख रहे हैं सेब का गाछ लटका हुआ है। देख रहे हैं फिर वही व्यक्ति जो आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते पानी उसी तरह से पानी देते हुए जैसे प्रक्रिया था उसी प्रक्रिया के दौरान वृक्ष हरा भरा हो गया और भी विशाल हो गया। लगातार सेवा करने से पानी देने से कितना हरा भरा फल भी देने लगा, पहले फल भी नहीं देता था। देख सकते हैं कितना मेहनत का फल मीठा होता है। तो स्काउट गाइड देख सकते हैं, देख सकते हैं लगातार मेहनत का फल मीठा, रोज सुबह पानी, वृक्ष का सेवा, देख रहे हैं अब दरवाज़ा बंद, कितना अच्छा ये नज़ारा आपको हम गुड्डा के स्काउटर के द्वारा प्रस्तुति। आप देख रहे हैं कुछ लोग आ रहे हैं, देखिए जरा गौर से, कुछ लोग चोर आ रहे हैं कि क्या है, देखते रहिए।
लग रहा है जैसे कि वृक्ष के काट कुट करने के लिए आ रहे हैं कि क्या पता नहीं। अभी आगे देखिए, देख रहे हैं क्या किस तरह प्रवृत्ति के लोग समाज में हैं। कोई वृक्ष लगा रहा है, कोई वृक्ष काट रहा है, तो देखिए क्या बात चल रही है आपस में। ये तो यही लोग समझेंगे आपस में क्या ये चर्चाएं हो रही है। देख सकते हैं कैसे कुल्हाड़ी, देख रहे हैं जो वृक्ष जो लगाया है, देखिए अब देखिए कुछ पैसे के लालच में तो मैं पढ़ रहे हैं। देख लीजिए क्या समय है, क्या जमाना है। जिस वृक्ष को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, आज कुछ पैसों के लिए आज वृक्ष को काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है अपने देश का, अपने समाज का। आज ऐसा दिख रहे हैं, एक देख रहे कितना मेहनत करके, कितना अच्छे फल, कितना वृक्ष हरा भरा, आप देख सकते हैं कैसे ये लोग जो है काट रहा है, वृक्ष को काट रहा है। देख रहे हैं, देख रहे हैं एकदम कितना मजबूत वृक्ष है, देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना ताकत लगा रहा है वृक्ष जो काटने वाला है। देखिए देखिए, देख सकते हैं धीरे 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 वृक्ष टूट गया। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा आपको दिखा रहे थे, देखिए वृक्ष तो कट गया। कैसे लोग आज समाज में हैं, वैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, वैसे लोगों को सजा देनी चाहिए सरकार को जो वृक्ष काट रहे हैं धरल ले। थोड़ा सा स्वार्थ के लिए, थोड़े पैसों के लिए जो है वृक्ष काटा जा रहा है, जबकि आज सरकार ने कहा एक वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। फिर वही वृद्ध, परेशान परेशान है, पानी देख सकते हैं फिर उसी तरह से पानी गिर ही नहीं रहा है, क्योंकि आज वातावरण को दूषित कर दिया है लोगों ने। आज धरल्ले वृक्ष काटा जा रहा है, वातावरण कहाँ है, पानी कहाँ से आएगा। लोग जो है जल संरक्षण नहीं कर रहे हैं, जल को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, वही वृद्ध व्यक्ति जो इसी ओर से गुजर रहा था, अब सोच रहा है वही वृक्ष के पास जाएं। अब आप देख सकते हैं वो जगह नहीं मिल रहा है, परेशान परेशान है वो व्यक्ति, क्या करे। आखिर कोई उपाय नहीं है, लास्ट में मरने के कगार पर है और ये व्यक्ति बेहोश होकर गिर चुका है। क्या समय है, क्या स्थिति है, आपने देखा अभी कि पानी नहीं रहने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वृक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसका देख रहे वही घर वाला नजर आ रहा है, जो पैसा लेके, कुछ पैसे लेकर जो देख सकते हैं पानी है, क्या करे, पानी आ ही नहीं रहा है, परेशान है, परेशान परेशान है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है, थक गए हैं, धूप काफ़ी है, काढ़ा है धूप। देख रहे हैं बेचारे तो ऐसे भी परेशान है, लास्ट में गर्मी से त्रस्त त्रस्त, देख सकते हैं कि क्या परेशानी होती है। जल संरक्षण नहीं होने से आप देख रहे हैं कि ये क्या समस्याएं आती है। अभी तो शुरुआत है, ये अब काफ़ी धूप है, फिर सोच रहे हैं काश वही वृक्ष के पास जाते,
अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुक गई खेत, कुछ पैसे ले लिए, कितना अफसोस कर रहे हैं। शायद काश नहीं बेचते तो आज मेरे घर के अगल बगल कितना वातावरण यही होता है। बहुत परेशान है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, समस्या है, वृक्ष को काटे जा रहे हैं, लास्ट में द एंड हो गया। यही देख सकते हैं, इससे सीख मिला कि आज जो वृक्ष को काट रहे हैं उसका नतीजा देख रहे हैं। कल वृक्ष कटा, एक दिन आप कटेंगे।